हेलो हेलो वीडियो देखने वालों, मैं हूं इस वक्त जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर वेस्ट दिल्ली। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, ये हमारे वेस्ट दिल्ली का नेहरू प्लेस है, जहाँ पर आपको कंप्यूटर्स वगैरह के पार्ट्स चाहिए हों तो सबसे बढ़िया मार्केट है। और थोड़े दिन पहले मैं यहाँ शॉपिंग करने आया था, शॉपिंग करते करते मेरी नज़र पड़ी एक वाह, जहाँ पर मिलती है, वाह बोला ना, वाह वाली जगह पे, जहाँ मिलता है मटन, चिकन और मच्छी। कहाँ? चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। चलिए आपको पहले लोकेशन समझा देता हूँ और आउटलेट दिखा देता हूँ। मटन अड्डा, जी हाँ, ये एक टेक अवे काइंड ऑफ आउटलेट है। बाहर बेसिक सी सिटिंग है, टेबल लगे हैं जहाँ पर आप बैठ के खाना इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे लंच डिनर का पूरा प्रबंध है, शाम को स्नैक्स भी मिलते हैं। लोकेशन थोड़े और अच्छे से समझाता हूँ ताकि ईजिली पहुँच सको। बिल्कुल सामने मैकडोनल्ड्स है, जी हाँ, ये देखिए, ये मैकडोनल्ड्स है। और मैकडोनल्ड्स से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल उसके सामने ये इशारा कर रहे हैं हम, मटन अड्डा। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर है मटन अड्डा। मटन अड्डा से सौरभ जी हमारे साथ हैं। सौरभ जी, जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैं यहाँ इस मार्केट में नया आता हूँ, मेरे ख्याल से तो नया ही आउटलेट है क्योंकि नज़र मेरी अभी पड़ी है। वैसे बताइए कितना टाइम हो गया इसको? सर अभी तो मतलब एक महीने हो गए। एक महीना ही हुआ है, मतलब वही नया है क्योंकि मेरी नज़र ही अभी पड़ी थी। और क्या क्या रखा है, क्या स्पेशलिटी है आपकी? सर स्पेशलिटी हमारा तो ऐसे मतलब मटन लिट्टी है, चिकन लिट्टी है। अच्छा, वो स्पेशल है। बाकी हमारे पास मटन करी, चिकन करी, तवा चिकन, तवा मटन, मतलब जो बिहारी स्टाइल है, बिहारी कुजीन है, वो आप डिस्ट्रिक्ट सेंटर में आप लेके आए हैं? जी सर, बिल्कुल। और टाइमिंग्स क्या रहते हैं आपकी दुकान का? टाइमिंग सर हमारा 11 बजे, 11:30 बजे सब कुछ रेडी हो जाता है और रात में 10:30 तक। 10:30 तक आता है। और कोई ऑनलाइन वो भी है, डिलीवरी वगैरह भी है या कुछ? डिलीवरी सर अभी 4-5 दिनों में मतलब हमारा स्विगी जोमेटो पे आ जाएगा तो फिर हम डिलीवर भी करेंगे। अच्छा, अभी यहीं पे ही? अभी तो फिलहाल टेक अवे है और यहाँ सिटिंग है, यहाँ बैठ कर। थैंक यू सो मच हमारे से बात करते। तो लीजिए ये इनका फूड मेन्यू है, आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या है। ये देखिए, मटन करी है जिसमें 175 रुपए की प्लेट है, 299 रुपए की हाफ है, 599 रुपए की फुल है। मटन देसी अथे 180-350, मटन कीमा कलेजी, मटन तवा फ्राई, मटन कस्सा, जी हाँ चिकन करी भी है, चिकन तवा फ्राई भी है, फिश करी भी है। तो देखिए हम तीनों चीज़ें ट्राई करने वाले हैं, मटन करी, चिकन करी और फिश फ्राई। मटन करी की कीमत 175 रुपये, चिकन करी की 110 रुपये और फिश करी की 120 रुपये। तो खाना हमारे टेबल पे सर्व हो चुका है और ये देखिए काफ़ी नज़ारेदार इनकी ग्रेवी आइटम्स है। कैमरा क्लोज लाइए, ये देखिए, आहा, ये देखिए, ओ वाह जी वाह, ये इनका चिकन है, ये देखिए, ये इनकी मटन है। और ये जितनी चीज़ें हैं, वैसे तो हमने आपको मेन्यू दिखा दिया इनका, लेकिन अलग से स्क्रीन पे रेट्स भी फ्लैश कर देंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और ये देखिए, ये इनका मटन है, ग्रेवी देखिए थिक है बराबर में, ये फ़िश करी है, रोहू फिश इस्तेमाल की जाती है, फ़िश ग्रेवी है और बराबर में इनकी ये फ्राइड वाली रोहू फिश आई है। जी हाँ, ये भी ट्राई करेंगे। वाह देखिए, आपको थोड़ा सा इसका टूर करवाया तो हाथ में ग्रेवी लगी और टेस्ट किया, बहुत बेहतरीन है। सबसे पहले इनकी फ़िश देखते हैं, ये फ्राइड फिश है। ये देखिए यहाँ पे स्नैक्स भी हैं, ये देखिए, आ हा हा हा, देखिए बिहार का मटन भी बहुत पसंद किया जाता है, चिकन पसंद किया जाता है। वहाँ की अभी तक जो चीज़ दिल्ली एरिया में पॉपुलर नहीं हुई वो है मच्छी, उनकी मच्छी भी बहुत स्वाद होती है। सरसों के तेल की हल्की सी महक है, माइल्ड से मसाले हैं, चटनी प्याज के साथ बहुत ही ज़्यादा सोने पे सुहागे वाला काम हो जाता है, परफेक्ट है। चलिए जी इनका मटन देखते हैं, वाह वाह, ओ वाह जी वाह, ये देखिए, सबसे पहली चीज जैसी मटन जुबान पे जाता है, बहुत ही अच्छे से पका हुआ है, कहीं से भी सख्त नहीं है, हर जगह से बराबर पका हुआ है।
मसाले, हल्की सी मिर्च तेज है जो ज़ुबान पे पीछे जाके एक हल्की सी हिट करती है। रोटी के साथ ये ग्रेवी खाइए, चाहे आप चावल के साथ खाइए, दोनों के साथ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट करती है। चलिए जी अब इनकी चिकन भी ट्राई करते हैं। ये देखिए, वाह, ग्रेवी देखने में दोनों की बराबर लग रही है, चिकन और मटन की। टेस्ट करके देखते हैं कि फ़र्क है कि नहीं है। सबसे पहली बात, ये देखने में सेम लग रही है, फ्लेवर वाइज दोनों ही अलग है। इसकी भी तारीफ मैं यही करूँगा, इसमें मुझे हल्का सा काली मिर्च का बढ़िया फ्लेवर लग रहा है। इसमें भी चिकन का पीस बराबर से अच्छे से पका हुआ है, बढ़िया मसाले हैं। और इसका भी मैं यही कहूँगा कि आप इसको चाहे बॉइल्ड राइस के साथ खाइए, तवा रोटी के साथ खाइए, बहुत बढ़िया है। और मसालों की बात मैं ये करूँगा कि हम जब बाहर का खाते हैं तो बहुत तेज़ मसाले होते हैं, ऐसा लगता है कि रोज़ रोज़ नहीं खा सकते, लेकिन इसकी प्रिपरेशन से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हफ्ते में 2 बार खाएं, 3 बार खाएं, 4 बार भी खा सकते हैं, ऐसी इसकी ग्रेवी है। एक दिन चिकन खा लीजिए, एक दिन मटन खा लीजिए, थोड़े दिन बाद दोबारा खा लीजिए, ये मसाले आपको चुभने वाले नहीं हैं। तो ये देखिए इनकी फ़िश करी है, रोहू, इसको क्या किया है इन्होंने, पहले फ्राई करके इसमें डाला है, और इसको थोड़ा ध्यान से खाना होता है क्योंकि इसमें कांटे होते हैं, लेकिन ये मेरी किस्मत अच्छी है कि ये जो पीस है इसमें ऐसे कांटे नहीं हैं। तो ये टेस्ट करते हैं, देखिए छोटे छोटे कांटे आ गए हैं। तीनों ग्रेवी का फ्लेवर अलग है, सरसों के तेल का अच्छा सा टच, जी हाँ, एक तो महक आ ही रही है, जब आप खा रहे हैं तब भी आपको पता लगेगा कि आप सरसों के तेल वाली ग्रेवी खा रहे हैं। मेरी तरफ से ये जो मैंने 4 चीज़ें खाई हैं, चारों चीज़ों को थम्स अप है। यहाँ पर और भी बहुत चीज़ें मिलती हैं, चलिए वो दिखाता हूँ आपको। तो शाम के समय यहाँ स्नैक्स मिलते हैं, और ये जो भाई साहब इस वक्त हमारे लिए विंग्स तैयार कर रहे हैं, ये 5-स्टार रेस्टोरेंट में शेफ़ रह चुके हैं, जी हाँ, अब अपना काम कर रहे हैं शाम के समय। ये बढ़िया स्नैक्स, चलिए आपको दिखाते हैं क्लोज़अप क्या बन रहा है हमारे लिए। तो देखिए यहाँ पे शाम के समय, ये देखिए यहाँ पर विंग्स फ्राई करके भी बेचे जाते हैं, ये सिर्फ शाम के समय है। ये देखिए विंग्स को फ्राई किया जा रहा है, ये देखिए, वो आजी वाह, मैरिनेट करके रखा हुआ है, ये सिर्फ शाम के समय मिलता है, 100 रुपये के 4 पीस। तो क्लोज़अप लाइए, देखिए हमारे लिए विंग्स तैयार हो चुके हैं, नींबू निचोड़ के, और ये कोई बिहारी स्टाइल नहीं है, जैसे स्ट्रीट फूड स्टाइल होता है दिल्ली में वैसा ही है। सबसे पहली चीज़, महक प्यारी है, साफ़ सुथरी चीज़ है, साफ़ सुथरा ऑयल है, और अगर मैरिनेशन की बात करूं, खुशबू बड़ी अच्छी है, खा के देखते हैं। बेसन की हल्की हल्की फ्लेवर आ रही है, और ओवरऑल बात करूं, देखिए अभी तक मैंने चटनी नहीं लगाई, जो इसकी मैरिनेशन है वही इतनी फ्लेवरफुल है, ऊपर जो मसाला डाला गया है चाट मसाला वो सोने पे सुहागा वाला काम कर रहा है, और जो बची कुची कसर रह गई थी वो मैंने नींबू निचोड़ा उसमें पूरी हो गई। अभी तक मैंने इसमें चटनी नहीं लगाई, तब स्वाद है, हल्की सी लगा लेते हैं हम चटनी, अब देखते हैं ये कहाँ पहुँचता है। बहुत ज़्यादा गर्म है, मुझे अच्छा लगा, जो शाम की छोटी सी भूख होती है ना उसके लिए परफेक्ट है। 100 रुपये के 4 विंग फ्राई चटनी प्याज के साथ, फुल पैसा वसूल। तो लीजिए देखिए हमारे लिए ये लिट्टी चोखा यहाँ पे लगते हुए, ये देखिए लिट्टी चोखा है, और जो चोखा रहता है उसमें बैंगन आलू और क्या प्याज, बैंगन आलू प्याज टमाटर हरी मिर्च, वाह जी वाह, अदरक, तो बढ़िया से मसालेदार 2 लिट्टी
ओ वाह जी वाह। और किस में? देसी घी में। हाँ, ये तो खासियत है इस फूड की, ये खासियत है देसी घी में भिगो के दो लिट्टी। ओ वाह, तो हमारे बहुत चाहने वाले लोग हैं जो लिट्टी चोखा बड़ा पसंद करते हैं, दूर दूर जाते हैं वो खाने। तो देखिए, अगर आप वेस्ट दिल्ली में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंटर आना जाना रहता है, तो ये 50 रुपये की यहाँ प्लेट बेच रहे हैं। जी हाँ, जो बिहार का है, पटना का रेट है, उसको तो ये नहीं हिट कर सकते, लेकिन दिल्ली के हिसाब से 50 रुपये मेरी तरफ से परफेक्ट है। तो बड़े ही दिनों बाद हमने बिहार के बढ़िया चिकन मटन खाया, पसंद आया, और मुझे ये भी लगता है कि अगर आप खाएंगे आपको भी पसंद आएगा। बढ़िया मसालों के साथ तैयार होता है और रेट भी रीज़नेबल है। आइए खाइए, वापस आके मुझे ज़रूर बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।